गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से आपकी नाइट जो है वो स्लीपलेस हो सकती है, परेशान हो सकती है। और आज का जो हमारा वीडियो इसी के अराउंड है कि विंटर्स में बच्चों का आप कैसे ध्यान रखें और क्या प्रिकॉशन लें जिससे कम से कम आपके बच्चे बीमार हो और कम से कम आप डॉक्टर के पास जाएँ। तो पहला जो हमारा वो टिप्स है कि बहुत ही आसान, बहुत ही नेचुरल तरीका है, आप बच्चे को सनलाइट दिखाएं। सनलाइट एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, और ये जो खाने में बहुत ही कम मिलता है, बाकी विटामिन्स के हिसाब से बहुत कम मिलता है। तो बच्चों को आप सुबह की धूप दिखाएं जो बहुत ही अच्छा होता है। बट जैसे कि विंटर्स में लेट से धूप निकल, 9-10 बजे के आसपास धूप निकल आती है, बट बहुत ज़्यादा धूप आपको नहीं दिखाना है, बस आधे घंटे की धूप बच्चों को दिखाना है सुबह की, क्योंकि इससे ज़्यादा धूप भी दिखाना बच्चों को नुकसानजनक हो सकता है। और अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो बस 20 मिनट्स ही काफ़ी होता है। बच्चे का कलर भी थोड़ा सा ब्लैक भी हो सकता है। सनलाइट ज़रूर दे बच्चों को, सनलाइट से उसको उसके चेस्ट में कफ नहीं होगा, उसका जो नेजल ब्लॉकेज नहीं होगा, ये सब चीज़ें बच्चों को होने से बचा सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट मेज़र है वो है मसाज। बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि मसाज नहीं करना चाहिए, बट बच्चों की मसाज ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो चल फिर पाता नहीं है, और उसके मसाज से ही उसका बच्चा रिलैक्स होगा, उसके बोन्स स्ट्रांग होते हैं। तो मसाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम से कम दिन में 3 से 4 बार मसाज जरूर दें। बट ये चीज़ है कि विंटर्स में आप किसी ठंडे जगह पर बच्चों को मसाज ना दें, रूम बंद करके करें, क्लोज कंपाउंड में करें, रूम बंद करके करें। मसाज बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मसाज में जो होता है वो ऑयल आप कौन सा यूज़ करें। विंटर्स में आप वैसा ऑयल यूज़ करें जिसकी तासीर गर्म होती है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों के लिए मस्टर्ड ऑयल, तो आप जैसे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं विंटर्स में, या आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसको हिंदी में जैतून का तेल बोलते हैं, या फिर आप बादाम का भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट आप जैसे कोकोनट ऑयल यूज़ ना करें। एक और बात की लोग सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा है तो मसाज कर सकते हैं क्या, बट आप एक बार जान लो कि बच्चा 6 दिन का या 15 दिन का है तो भी आप मसाज उसे दे सकते हैं, और 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को आप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों का बाथ, बच्चों का नहाना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ठंडी में बच्चों को नहीं नहलाना चाहिए, तो बट बच्चों को रोज़ नहलाइए, और बट गर्म पानी से नहलाइए। और दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को आप धूप है तो बाहर नहला दे रहे हैं कि धूप में नहीं, या फिर ठंडी जगह पर नहला रहे हैं, नहीं, उसको ना बच्चे को कमरे में बंद करके नहलाइए, बाथरूम में बंद करके नहलाइए, और उसके बाद उसको थोड़ी देर की धूप दिखाइए। जब तुरंत बाहर नहीं उसे निकालना है नहलाने के बाद, उसको थोड़ी देर के लिए वैसा रूम में रखिए, उसके बाद थोड़ी देर जब बॉडी एडजस्ट हो जाए उसके बाद आप उसको बाहर निकालें। फोर्थ जो पॉइंट है, उस बच्चों को सही और संतुलित कपड़े पहनाएं। इसका मतलब बच्चे का कंफर्टेबल रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये नहीं कि बच्चे को आप बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दे रहे हैं, ओवर साइज़ कपड़े ना पहनाएं, बहुत टाइट कपड़े ना पहनाएं। और बच्चे के कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से उसको हवा जाती और ठंड लगती है, जैसे कि बच्चों के कान को ढक के रखें, उसके हाथों को ढक कर रखें, सॉक्स आप वुलन पहना के रखें बच्चों को, उसके गले को मफलर या स्वेटर से किसी चीज़ से ढक सकते हैं, आप शॉल से ढक सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें करने से बच्चों को ठंड कम से कम लगेगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि सही साइज़ के कपड़े पहनाएं, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन ना कर दें। और एक और इम्पॉर्टेंट मेज़र है दोस्तों, स्किन केयर। बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और विंटर्स में बहुत इश्यूज़ होते हैं बच्चों को स्किन का, जिसका बहुत आसानी से और छोटी चीज़ें करके ध्यान रख सकते हैं। जैसे ज़्यादा आप उसको सनलाइट एक्सपोज कर दिया तो उसके गाल वगैरह क्रैक्स आ सकते हैं। यह भी कोशिश करना है फ्रेंड्स कि बच्चों के स्किन पर हम लोगों को केमिकल कम से कम ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनमें क्या चीज़ मिला है वो हम लोग नहीं जानते हैं, तो बेटर होगा ही यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ों की जगह से, या फिर मलाई यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट,
क्योंकि मार्केट में जो मॉइस्चराइज़र होते हैं, कितना भी वो हर्बल है बट वो हम लोग देख नहीं पाते हैं, थोड़ा ना थोड़ा केमिकल सब में रहते ही हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि आप नेचुरल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे मलाई हो गया जो, या फिर ऑयल जो आप बच्चों को मसाज कर रहे हैं। बस देखना होता है फ्रिक्वेंटली और ध्यान रखना होता है कि स्किन वगैरह फटे नहीं, कहीं रैसेज वगैरह नहीं आए, ताकि आगे जा कर के कोई बड़ा इशू ना क्रिएट हो जाए, क्योंकि एक छोटा सा भी है फिर कहीं बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। अगर से आप बहुत बड़े कमरों में रहते हो तो अपने कमरे में ह्यूमिडिफायर भी रख सकते हैं, ताकि वो रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। बड़े कमरे में ठंड ज़्यादा रहती है, और छोटे रूम में अगर आप रहते हैं, छोटा वेपराइज़र भी है, ऐसे भी उसको आप एज अ ह्यूमिडिफायर बना सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो को लेकर के। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।